हैं अगली खबर की ओर। संत कबीर दास की जयंती के अवसर पर शहर के रोहतक रोड बाईपास पर संत कबीर दास जी की प्रतिमा का शिलान्यास विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल मीढ़ा ने किया। उनके साथ बीजेपी जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि संत कबीर दास ने संसार को जीने का नया मार्ग दिखाया। शहर के सभी चौकों पर संतों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और उनका रख रखाव किया जा रहा है। जल्द ही सभी चौकों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। बीजेपी जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी ने कहा कि संत कबीर दास की प्रतिमा के अनावरण से शहर को एक और नए चौक की सौगात मिली है। जिनसे संजय कुमार की रिपोर्ट। जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से हरियाणा सरकार गोहाना में भी कल कबीर जयंती को मनाने का काम कर रही है, उसी प्रकार से आज कबीर जयंती के अवसर पर भगवान कबीर जी की मूर्ति का यहाँ स्थापना मनाई गई है, की गई है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गण और बड़े ही जिन्होंने एक संसार को एक मार्ग दिखाया है, उन महामुनियों की याद में ऐसी चीजें बननी चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि किस प्रकार से उन्होंने उस समय में जो उस समय समाज में फैली प्रस्तुतियाँ थी उनको ठीक करने का काम किया, उन प्रस्तुतियों से लड़ने का काम किया और संसार को एक मार्ग दिखाया जीने का कि इस प्रकार से किस प्रकार से जिया जा सके। देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार जींद में नगर पालिका के द्वारा चौक बनाए जा रहे हैं और भी आगे जो चौक रुके हुए हैं उन चौकों को भी पूरा करने का काम करेंगे, ये विश्वास हम आपको दिला रहे हैं। और हमारी बेटी अनुराधा सैनी भी निरंतर इस कार्य को कर रही है। ये रोहतक रोड तकरीबन कोई 23 लाख रुपए की राशि इस पर लगी है और ये रोहतक रोड के ऊपर ये चौक बना है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे क्या? व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं जिनमें सीसी कैमरे की जो पहले बिल्कुल ही नहीं थे, कई चौकों पर सीसी कैमरे लग चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाने का काम करें, आगे भी